हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस विद द एग्जाम एकेडमी। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जानते रहिएगा, ये हमारा करंट अफेयर का पार्ट 6 है, जिसमें अगेन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन को आप स्किप मत करें और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखते हुए चलें। तो चलिए, यहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया गया। तो जानते रहिए कि जिस मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया गया है, वो मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देखिए है ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किस राज्य द्वारा अम्मा और बहिनी योजना शुरू की जाएगी जिसका संबंध महिलाओं के विकास से है। तो जानते रहिएगा, जिस राज्य द्वारा अम्मा और बहिनी योजना शुरू की जाएगी जिसका संबंध महिलाओं के विकास से, जानते रहेगा वो राज्य है, जानते रहेगा सिक्किम। और सिक्किम लिखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहां डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या आ जाएंगे, थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस केंद्र सरकार की योजना को आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा। देखिए, ऑप्शन में क्या है, कन्या शिक्षा प्रवेश योजना, फिर ऑप्शन बी में है कौशल्या मातृत्व योजना, ऑप्शन सी में है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, और ऑप्शन डी में है माई राइट योजना। तो जानते रहिएगा, हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को, जानते रहिएगा, इसको आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, इसलिए हमारे यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, आ जाएंगे यहां पे फोर्थ नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्टेशन एक उत्पाद योजना वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का संबंध किससे है। तो जो यहाँ पे बोल रहा है कि एक स्टेशन एक उत्पाद योजना, जिसका इंग्लिश में क्या है कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का संबंध किससे है। तो जानते रहिए, इसका जो संबंध है वो है रेलवे से। और रेलवे देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध रेलवे से है। फिर देखिए, आ जाएंगे यहाँ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, हमारा क्या कह रहा है कि किस राज्य द्वारा निरामय परियोजना की शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना है। तो जानते रहिएगा, जिस राज्य द्वारा निरामय परियोजना की शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना है, वो राज्य है असम। और असम देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहां पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखा जाएंगे सिक्स नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों को के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस नई पहल की शुरुआत की है। तो जानते रहिएगा, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए जिस पहल की शुरुआत की है, उसे बोला गया है मिशन अमानत। और मिशन अमानत दिखाया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, आ जाएंगे सेवन नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसके द्वारा तेजस्विनी और हौसला योजना शुरू की गई है। तो जानते रहे कि जिसके द्वारा तेजस्विनी और हौसला योजना शुरू किया गया है, वो है निर्मला सीतारमण जी। और निर्मला सीतारमण जी क्या है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, एट्थ नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे कि हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रति व्यक्ति कितने किलो खाद्यान्न प्राप्त होंगे। तो जानते रहेगा, हाल ही में जो शुरू की गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के में, याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति को यहां पे पांच किलो जो है खाद्यान्न प्राप्त होंगे। और पांच किलो की बात दिखाया है ऑप्शन नंबर यहां बी में, तो हमारे यहां पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, आ जाएंगे यहां पे नाइन्थ नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा बैक टू वर्क योजना शुरू की गई है। तो जानते रहिएगा, जिस राज्य सरकार के द्वारा बैक टू वर्क योजना शुरू की गई है, वो है राजस्थान। और राजस्थान दिखाया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहां पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, आ जाएंगे टेंथ नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में श्रेष्ठ योजना शुरू की गई, यह किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो जानते रहिएगा, जो हाल ही में शुरू की गई श्रेष्ठ योजना जो शुरू की गई, इसको जिस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है, वो मंत्रालय है सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय। और सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय दिखाया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, आ जाएंगे यहाँ पे इलेवन नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की गई है। तो जानते रहिएगा, जिस राज्य सरकार द्वारा मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की गई है, वो है राज्य पंजाब। और पंजाब दिखाया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
फिर देखिए आ जाएंगे 12th नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में शुरू की गई सीड योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो जानते रहेगा हाल ही में सीड योजना जो शुरू की गई है ये जिस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है वो है सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय। और सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय दिखाया ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा यहाँ पर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई SBM U2.0 और AMRUT एमरट 2.0 योजना का संबंध किससे है। तो जानते रहिएगा इस योजना का जो संबंध है वो है सभी शहरों को कचरा मुक्त और पानी से सुरक्षित करना। और सभी दिखे यहाँ भी आया है ऑप्शन में, सभी शहरों को कचरा से मुक्त पानी को सुरक्षित करना ऑप्शन नंबर देखिए बी में है, तो यहाँ पे हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना देश में बालिकाओं के विकास के उद्देश्य से है। तो जानते रहिएगा पहले यहाँ पे ऑप्शन पहले देख लेंगे, देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है कि विघा लक्ष्मी योजना, ऑप्शन बी में प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना, ऑप्शन सी में प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन डी में प्रधानमंत्री बालिका सुरक्षा योजना। तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये इसका संबंध है। तो हमारा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना देश में बालिकाओं के विकास के उद्देश्य से है, तो बालिकाओं के विकास के उद्देश्य से जो योजना लाई गई उसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना की, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। फिर क्या आ जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीवा प्रोग्राम निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया। तो जानते रहिएगा जीवा प्रोग्राम जो शुरू किया गया ये शुरू किया गया है नाबार्ड के द्वारा, और नाबार्ड देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 16 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में बैलोन डी ओर पुरस्कार 2021 अर्जेंटीना के नियोलेल मेस्की को मिला, यह खिताब उन्हें कितनी बार मिला। तो जानते रहिएगा हाल ही में बैलोन डी ओर पुरस्कार 2021 अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी को मिला है और उन्हें यह खिताब टोटल 7 बार मिल चुका है, और 7 बार देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 17 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार जो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है ये किसे दिया गया। तो जानते रहे कि हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार जो कि पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है ये मिला है बिल गेट्स को, और बिल गेट्स देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसे मार्च 2022 को एबेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है। तो जानते रहिएगा जिन्हें मार्च 2022 को एबेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है वो हैं डेनिल पार्नेल सुलीवन, और देखिए डेनिल पार्नेल सुलीवन आए हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में एक नागरिक समाज संगठन जिसका नाम क्या है प्रथम को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया, इसकी स्थापना कब की गई। तो जानते रहिएगा हाल ही में एक नागरिक समाज संगठन जिसका नाम क्या है प्रथम को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1986 को, और 1986 दिखाया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में रिजवान हसन को USA इंटरनेशनल वोमेन ऑफ द करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, यह किस देश की हैं। तो जानते रहिएगा हाल ही में रिजवाना हसन, सॉरी यहाँ रिजवाना हसन है, तो कहने हाल ही में रिजवाना हसन जो हैं जिनको USA का इंटरनेशनल वोमेन ऑफ द करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, ये जानते रहिएगा ये बांग्लादेश की हैं, और बांग्लादेश देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यहाँ बोल रहा है फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कौन सी वो फिल्म है। तो जानते रहिएगा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में जिस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो है पुष्पा द राइज। तो पुष्पा द राइज दिखाया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन क्या आया है कि 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। आई रिपीट 2022 को
75वें बाफ्टा पुरस्कार से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म होने का पुरस्कार दिया गया है, तो जानते रहिएगा वो जो फिल्म है वो है द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग देखिए आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार में जिस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है वो क्या है, द पावर ऑफ द डॉग। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे हम आ जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता, तो जानते रहे कि हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जिसने जीता है वो है कैरोलिना बिलास्वा का। तो देखिए यह है कैरोलिना बिलास्वा आई है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से किसे सम्मानित किया जाएगा जो पहले भारतीय होंगे, मतलब इनको ये सम्मान तो मिलेगा और ये भारत की तरफ से पहले इंसान भी हैं। तो जानते रहिएगा वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक जिसे दिया जाएगा सम्मानित, जो कि पहले भारतीय हैं, ये हैं दीपक धर। और दीपक धर दिखे हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा इतना याद रखना है कि दीपक धर हैं ये भारतीय, प्रथम भारतीय हैं जिन्हें बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया जाएगा। फिर आ जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि नारी शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा सही कथन है, तो कौन सा है, तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को देख ले रहे हैं यहाँ पे आंसर। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि 8 मार्च 2022 को 29 महिलाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, ऑप्शन ये है। ऑप्शन बी है यह भारत में महिलाओं के सम्मान में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऑप्शन सी इस पुरस्कार को वर्ष 1999 में शुरू किया गया। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जानते रहिएगा यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि नारी शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो जानते रहिएगा कथन जो हमारा है उपयुक्त सभी, ये ऊपर के तीनों ही सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो क्या आया है नारी शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में कौन कौन सी बातें सही है, एक बार फिर से रिपीट देख लीजिए। हमारा ऑप्शन ए भी सही है कि 8 मार्च 2022 को 29 महिलाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है यह भारत में महिलाओं के सम्मान में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये भी हमारा सही है। और फिर इस पुरस्कार को वर्ष 1999 में शुरू किया गया, ये भी हमारा सही ऑप्शन है, ये भी बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को हम क्लिक कर देंगे। फिर क्या आ जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार उपन्यासकार डेनम गलगुट को प्रदान किया गया किस देश से संबंधित ये रखते हैं, तो जानते हैं कि प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार उपन्यासकार डेमन गलगुट को यहाँ पे मिला है, उपन्यासकार डेमन गलगुट को ये पुरस्कार मिला है बुकर पुरस्कार, और कह रहे हैं कि ये किस देश से संबंधित हैं, याद रखिएगा ये संबंधित हैं दक्षिण अफ्रीका से। और दक्षिण अफ्रीका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में आया है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि किसे मालदीव के प्रतिष्ठित सम्मान स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो जानते रहिएगा जिन्हें मालदीव के प्रतिष्ठित सम्मान स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह है सुरेश रैना। और सुरेश रैना देखिए हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, पहले तो ये याद रखना है कि स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार अगर पूछता है कि ये किस देश, कौन देश देता है, तो आपको याद रखना है कि मालदीव जो है यहाँ पे दिया है, और किसको दिया है, ये दिया है सुरेश रैना को। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि हाल ही में कौन प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बन गए हैं, तो जानते रहिएगा हाल ही में जो पहले प्रित्जकर पुरस्कार 2022 को जीतने वाले पहले अफ्रीकी बन गए हैं वो हैं, याद रखिएगा फ्रांसिस केरे। और फ्रांसिस केरे देखिए हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि हाल ही में अफ्रीका के पहले जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कौन सा जीता है ना प्रिजकर पुरस्कार 2022 जीता है वो कौन है, वो है फ्रांसिस केरे। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो जानते रहिए कि डॉक्टर जी रेड्डी को हाल ही में जिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो है आर्यभट्ट पुरस्कार। और आर्यभट्ट पुरस्कार देखिए है ऑप्शन नंबर आया है यहाँ पे सी में, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि
67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे दिया गया? तो यहाँ जो 67वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इसमें कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, देखिए ऑप्शन में क्या आया है, ऑप्शन में आया है मनोज वाजपेयी, ऑप्शन बी में है रणबीर कपूर, ऑप्शन सी में है धनुष। तो जानते रहेगा जो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है मनोज वाजपेयी को और धनुष को, और जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में है 1 और 3 दोनों, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा उसको राइट आंसर हम कर देंगे। याद रखना है आपको कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, किसको? मनोज वाजपेयी को और धनुष को। फिर देखिए आ जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि किस फिल्म के लिए कंगना रनौत को 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? तो जानते रहेगा जिस फिल्म के लिए कंगना रनौत को 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है, जानते रहेगा वो है मणिकर्णिका, मणिकर्णिका भी है और उसके साथ पंगा जो आया है, ये दो फिल्मों के लिए दिया गया है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ डी होगा ना, हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। आपको याद रखना है कि 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनौत को मिला है, पहले ये याद रखना है, और किस फिल्म के लिए मिला है, 2 फिल्म के लिए मिला है, पहला कौन है मणिकर्णिका और दूसरा पंगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि किस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है? देखिए यहाँ पे फिल्म की बात हो रही है, कह रहे हैं कि किस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो जानते रहेगा वो मूवी है छिछोरे। देखिए ऑप्शन नंबर आया है डी में, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? छिछोरे मिला है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि किसे महाराष्ट्र का प्रतिष्ठित सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो जानते रहिएगा जिन्हें महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, वो है आशा भोसले, और आशा भोसले दिखे हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 34 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम के लिए लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान मतलब किसके, मतलब कौन वो व्यक्ति हैं जिनके काम को देखकर उनको पुरस्कार कौन सा दिया गया, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से उन्हें सम्मानित किया गया। तो जानते रहेगा वो हैं साइरस पूनावाला, और साइरस पूनावाला दिखे हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, और मे बी ये हमारा आज का शायद लास्ट क्वेश्चन भी होगा, तो देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2021 में भारत के चीफ हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय वधवार जो हैं को किस देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार प्रदान किया गया? आई रिपीट एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, 2021 में भारत के चीफ हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय वधवार को किस देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो जानते रहिएगा ये जो प्रदान किया गया है, ये प्रदान किया गया है ब्रिटेन के द्वारा, ये ब्रिटेन का पुरस्कार है, और ब्रिटेन देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे 35 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो मे बी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन यहाँ दिए गए थे, अगर सारी चीज़ क्लियर हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको कैसा काम लग रहा है, क्योंकि आपसे इसी कमेंट और लाइक को देखकर थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो चीज़ें और भी बेटर करने की कोशिश की जाती है। तो चलिए आज कितने रखते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।